तुम यकीन करो ना, तुम सजाद की फिक्र क्यों कर रही हो? मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी मुझे इनसे बात करनी है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम इधर आओ। अम्मी मुझे इनसे बात करने दें। क्या है, क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना मैंने सितारा को? मुझे सजाद भाई से बात करनी है। अच्छा, तो सितारा ने बता दिया कि सजाद क्या चाहते हैं? आप सजाद भाई को बाहर बुलाइए, मुझे उन्हीं से बात करनी है। क्या हुआ है? क्या हुआ है अमन? मुझसे पहले तो हमाद का आपसे रिश्ता था ना भाई? सगे भाई थे वो आपके, फिर आपको उनके कातिल से हमदर्दी कैसे हो सकती है? अब क्या ये जमाना आ गया है कि खूनी रिश्तों से बढ़कर पैसा होने लगा इंसान के लिए? एक मिनट सजाद, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा के सामने मेरे शौहर से इस तरह सवाल जवाब करने की? आप शायद भूल रही हैं भाभी कि जिसके खून का आप लोग सौदा करने जा रहे हैं वो मेरा शौहर था। हाँ, सिर्फ तुमसे ही तो रिश्ता था, हमसे तो कोई रिश्तेदारी थी नहीं उनकी। बिल्कुल सही कहा भाभी, आपसे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। खैर जो भी है, मेरा शौहर उसका भाई था, इस घर का वारिस है और वो ये चाहता है, इसलिए इस घर का सरबराह होने की हैसियत से ये सारा हक इसका है कि ये डिसाइड करे कि क्या होना है। शौहर की ढाल पे बेगुनाहों का खून बेचने की कोशिश ना कीजिएगा भाभी, क्योंकि हम में से कोई आपका साथ नहीं देगा। और वैसे भी कानून में भी माँ और बीवी के बाद ही भाई का हक होता है। इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा भाई। सजाद तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पता नहीं क्या ऑल फॉर बोल रही थी।